प्रिय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में त्रिलोकनाथ पांडे का जीवन परिचय की जानकारी दी जा रही है। आधुनिक लेखक, साहित्यकार तथा उपन्यासकार त्रिलोकनाथ पांडे का जन्म 1 जुलाई सन 1958 को वाराणसी, जो इस समय अब चंदौली जिले में पड़ता है, यानी जिले के चंदौली जिले के नेकनामपुर नामक गांव में हुआ था। वह मूलतः वाराणसी के रहने वाले हैं। वह भारत सरकार के खुफिया विभाग में काम कर चुके हैं। त्रिलोकनाथ पांडे हिंदी अंग्रेजी में लिखते हैं। प्रेम लहरी उनकी पहली औपन्यासिक कृति है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय में हुई। इसके बाद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। भारत सरकार के गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में त्रिलोकनाथ पांडे देश के विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित रहे। त्रिलोकनाथ पांडे के उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारतीय पुलिस पदक 2010 में दिया गया और राष्ट्रपति पुलिस पदक 2017 में उन्हें अलंकृत किया गया। इनकी रचनाएं कुछ हैं जो इस प्रकार हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखने वाले त्रिलोकनाथ पांडे की औपन्यासिक रचनाएं निम्न हैं। बिकमिंग गॉड अंग्रेजी उपन्यास, प्रेम लहरी और चाणक्य के जासूस इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।